सभी जानते हैं अडानी के मुद्दों पर खामोश रहने वाला मोदी सरकार बिना मतलब का मनगढ़ंत कहानी बनाकर मनीष सिसोदिया को फंसा रही है। लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर जबरदस्त विरोध देखने को मिला और सीधे तौर पर जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया है। साफ तौर पर ये सीधी तस्वीर है भाजपा कार्यालय की बाहर की, जहां जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भाजपा दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। देखिए, हाथों में पोस्टर बने लिए भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, अडानी से यारी, सिसोदिया की गिरफ्तारी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और ये देखिए मनीष सिसोदिया की हाथों में तस्वीर लिए जो ये विरोध है वो कहीं ना कहीं जोर जारी है और पुलिस की ओर से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की करके उन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या मांग है? देखिए केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप सभी जानते हैं अडानी के मुद्दों पर खामोश रहने वाला मोदी सरकार बिना मतलब का मनगढ़ंत कहानी बनाकर मनीष सिसोदिया को फंसा रही है, जबकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, 22 विभाग है, उनको चाहता नोटिस करता, मनीष सिसोदिया सहयोग करते, आज उन्हें बजट बनाना है, लेकिन दिल्ली का बजट पेंडिंग पड़ गया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। हमारा मांग है केंद्र सरकार से, मोदी जी से, कि संस्थाओं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करें, राजनीति करें लेकिन स्वच्छता के साथ राजनीति करें। इस तरह से सीधे तौर पर जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं उनको देखे किस तरीके से पुलिस द्वारा जो पीछे धकेलने की जो कोशिश है वो की जा रही है और साफ तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं का भाजपा के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं नेता हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करे लेकिन स्वच्छता के साथ करे और जो उन विपक्षी दल हैं उनको परेशान करना बंद करे और ये कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। अडानी के मामले पर खामोश रहने वाली ये मोदी सरकार जो गलत तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसा रही है और सीबीआई के द्वारा जो उनकी जो गिरफ्तारी की गई है वो उन्हें कहीं ना कहीं साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, न्यूज पटना। हाईटेक की दुनिया में झारखंड में पहली बार आपके शहर रांची में मॉड्यूलर फर्नीचर की डिमांड बढ़ी है, जिसे देखते हुए घर के इंटीरियर से लेकर आउटडोर बरामदे मॉड्यूलर किचन की बेहतरीन खूबसूरती के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉड्यूलर फर्नीचर। जी हाँ, झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप फ्रेंच मॉड्यूलर फर्नीचर। फ्रेंच मॉड्यूलर फर्नीचर झारखंड प्रदेश का पहला लेटेस्ट मॉडल का प्रतिष्ठान है। इस प्रतिष्ठान में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सोफा, डाइनिंग टेबल, मॉड्यूलर किचन के साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट को कम समय में ही अच्छी फिनिशिंग और कम बजट में तैयार किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, चले आइए झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप मॉड्यूलर फर्नीचर में, जहां आपके घर का हर सपना होगा साकार। फोन करें 7992343409।